मेरी पारिवारिक आय 42,000 वार्षिक है। माँ बाप मन मार के दे दे रहे हैं पैसे, लेकिन उनका दुख तो हम समझते हैं ना। तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से लेके फीस दी है फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड का भी मुझे पता नहीं मैं कैसे दूंगा। एक ड्राइवर का बेटा ये कैसे सोच सकता है? मैंने शायद सोच के गलती की थी कि मैं आईएमसी आऊंगा, मुझे अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसके आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट में भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। बीते दिनों जेएनयू में जब फीस बढ़ोतरी के मुद्दे ने तूल पकड़ा तो मीडिया के एक सेक्शन में ये कहा गया कि जेएनयू के बच्चे तिल का ताड़ बना रहे हैं और फीस बढ़ोतरी कोई मुद्दा नहीं है। ये भी बताया गया कि बाकी सरकारी संस्थानों में हालात सामान्य हैं और बच्चे बड़ी सामान्य परिस्थितियों में पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है क्या? फीस की मार सीरीज में आज हम आए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे कि वे फीस बढ़ोतरी के मुद्दे को कैसे देखते हैं और बढ़ती हुई फीस उनकी ज़िंदगियों पर कैसा असर डालती है। देश का एक मजदूर किसान से लेकर अंबानी का बेटा से लेकर हर कोई सपना देखता है, उसी तरह मेरा एक सपना पत्रकार बनने के लिए आईएमसी थी। तो जब मैं आईएमसी के लिए सपने देख रहा था, इसे परस्यू कर रहा था, मैं आईएमसी आया तो चीज़ें जो हैं जो बाहर से दिखती है यहाँ से गेट से बाहर और जो चीज़ें यहाँ आने के बाद दिखती है वो बहुत ही डिफर करता है। शुरू शुरू में जब मैंने आईएमसी के लिए अप्लाई किया तो जैसे वेबसाइट पे भी हम देखते थे तो वहाँ पे 79,000 फी शो होती थी हिंदी और इंग्लिश जर्नलिज्म के लिए। तो जब हमने फॉर्म भरा तो हम यही सोच रहे थे कि 80,000 फी होगा और हॉस्टल और मेस चार्जेस का तो खैर कहीं जिक्र ही नहीं था। तो ये मान के आए थे कि 80,000 शायद फ़ी हो, लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया, नाम आ गया, तो फिर प्रॉस्पेक्टस में 95,000 के करीब फ़ी दिखाया गया। तो ठीक है, चलिए अगर 80,000 दे रहे हैं तो पापा ने कहा कोई बात नहीं, 95,000 भी दे लेंगे। अब यहाँ आए तो ये उम्मीद करके आए थे कि हॉस्टल फ़ी और मेस चार्जेस बहुत नेग्लिजिबल होंगे क्योंकि ये एक सरकारी संस्थान है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये पता चला कि 3,000 मेस चार्जेस देने पड़ रहे हैं और तकरीबन 3500 हमें ये हॉस्टल के लिए देना पड़ रहा है हर महीने, तो ये भी करीबन 6,500 है। यहाँ आने के बाद वापस जाने का ऑप्शन नहीं था, सो हम यहीं रह गए, पढ़ रहे हैं, अब जैसे तैसे काम चला रहे हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? मतलब 95,000 आप फ़ी दें उसके बाद 6,500 हर महीने का, ये इम्पॉसिबल है, एटलीस्ट मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। मेरे दिमाग में सबसे पहले जब आईएमसी का नाम आता था या जब मैं आईएमसी के बारे में सोचता था तो मुझे लगता था कि ये केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है, तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती थी कि फ़ीस तो बिल्कुल ही एकदम कम होगी यहाँ की। लेकिन उसके बाद जब यहाँ आकर के पता चलता है या उसके बाद पता चलता है कि 95,000 रुपये, तो एकदम से मतलब अचंभा अजूबा लगता है कि 95,000 रुपये कैसे। उसके बाद हॉस्टल का जब पता करते हैं तो पता चलता है कि 5,200 रुपये हॉस्टल के एक कमरे का रेंट है, लड़कियों के हॉस्टल का 3,500 रुपये एक रेंट है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स, इवन मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर हैं जो चाहते हैं कि वो आईएमसी में पढ़ें, लेकिन जब मैंने उनसे फ़ीस के बारे में बताया कि 95,000 रुपये फ़ीस इस साल लग रही है और बिल्कुल इस बात का भरोसा नहीं कि अगले साल नहीं बढ़ेगी, अगले साल 1,10,000 या 1,20,000 भी हो सकती है, तो अगर आपकी जेब में 5,00,000 रुपये कम से कम हैं तब आप दिल्ली शहर आइए और मीडिया के इस उच्च शिक्षण संस्थान में आप पढ़ाई कीजिए। हो सकता है कि फीस कुछ बच्चों के लिए अफोर्डेबल हो, बट यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सबके लिए है, सबका राइट है, किसी कुछ चंद लोगों का प्रिविलेज नहीं है। हो सकता है कि कुछ बच्चे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 भी बढ़ जाए तो फीस दे सकते हैं, मगर मैक्सिमम बच्चे नहीं दे सकते, इस बात को हम प्रशासन को बताना चाहते हैं। मेरे पिताजी एक किसान हैं और हमारी जो सालाना जो मेरी वार्षिक आमदनी है मेरे परिवार की वो 70,000 रुपये है, तो आप सोच कर देखिए। और यहाँ पे जब मैं यहाँ अपनी पूरी कोर्स करूँगा तो 1,68,000 ट्यूशन फ़ी के बाद मुझे हॉस्टल और बाकी सारी और चार्जेस जब हॉस्टल मेस ये सब जुड़ जाएगा तो वो फ़ीस करीब चल जाएगी 3,25,000 से 3,00,000 रुपए तक। अब सोच कर देखिए कि ये मेरे चार साल, मेरे घर के 4-5 साल के GDP के बराबर है। मेरे साथ में थोड़ा आर्थिक समस्या है, इसी वजह से जो है मैं अपनी ग्रेजुएशन भी किसी रेगुलर कॉलेज से नहीं कर पाया। मैंने इग्नू से ओपन किया है ग्रेजुएशन अपना और मेरे पिताजी नहीं है, उनकी 5 साल पहले डेथ हो चुकी है, तो थोड़ा इनकम सोर्स कुछ अच्छा नहीं है घर पे। सब एकदम से चिंता में डूब गए थे पूरा कि कैसे होगा क्या होगा। और मैंने एक बार ऐसा मन बना लिया था कि मैं एडमिशन नहीं ले पाऊँगा, एकदम मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उस टाइम पे फिर बात छेड़ दी घर वालों ने, तो जो है मेरी जो 53,000 की मैंने अपनी किस्त जमा की है वो उधार जो है उधार ही पे ली है, तो और अभी जो है ये अगली इन्होंने निकाल दिया कि 43,000 रुपये और जमा करने हैं, तो उसके बारे में अब घर वाले ज़मीन बेचने का बारे में सोच रहे हैं।
दिसंबर में ही, लास्ट दिसंबर को मेरे फादर जो हैं उन्होंने दम तोड़ दिया था। उसके बाद से हमारे घर में फाइनेंशियली बहुत दिक्कत चल रही है, और मेरे भाई की प्लेसमेंट भी लास्ट ईयर ही हुई है, ही इज़ एन इंजीनियर। तो हमें पिछले एक साल से जो है फाइनेंशियली बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे भाई ने अपने फ्रेंड के अकाउंट से एक्चुअली मेरी फ़ीस भरी थी, और अभी जो हमें 43,500 भरने हैं उसके लिए हमें नहीं पता कि वो पैसे कहाँ से आएंगे। अभी 3 सालों की मैं बात करूँ, ये जो 95,000 पहुँचा है, तकरीबन 50% फी वृद्धि हुई है, आप सोच सकते हैं। लेकिन जब फी वृद्धि होती है तो आप ये भी तो दिखाएंगे ना कि हाँ, जितना मैंने पैसा लिया है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्चा किया है। लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा किया गया है। देश के सर्वोच्च मीडिया संस्थान में विश्वास कीजिए 250 बच्चों पर 8 मैक के सिस्टम हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर। वो कैसे होंगे मुझे पता नहीं। संस्थान के पास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि सभी चीज़ें मंत्रालय करती, तो वो क्यों है यहाँ पे? छात्रों से संवाद करने के लिए हमारे और उनके छात्र और जो मंत्रालय है उनके बीच का जो माध्यम है वो संस्थान है। हमारी समस्याओं का समाधान जो होगा वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, कि हम लोग जाके सूचना प्रसारण मंत्रालय में जाकर बोलेंगे मंत्री साहब को कि आप हमारा बदल दीजिए, कि फिनांस मिनिस्टर को मैं जाकर बोलूँगा कि हमारा फी कम होना चाहिए। जब इन्हें हम बात करते हैं तो कहते हैं ये हमारे हाथ में है ही नहीं। जब इनके हाथ में ये नहीं हो सकता है, जब ये नहीं सोच सकते ये है, तो जो सीटें यहाँ पे खाली रह जाती है SC ST की, उसकी तो बात ही मत कीजिए। वो कैसे सोच सकते हैं, क्या मतलब है इन्हें? इन्हें तो बस पढ़ाना है, अपना महीना उठाना है, जो जो है सरकारी नौकर है वापस चले जाना है, जो 2% है। देश की बाकी जनता पढ़े ना पढ़े पत्रकारिता का क्या होगा, नहीं होगा, नहीं है। पत्रकारिता को कमोडिटी बनाकर बेच देना ही यहाँ का एक उपाय है। हिंदी डिपार्टमेंट में 4 सीटें आज तक खाली हैं, 68 सीटों पे वैकेंसी निकली थी और 64 सीटें भर चुकी हैं। 4 सीटें आज तक खाली हैं SC ST कैटेगरी की। तो उनका क्या रीज़न लगता है आपको कि वो लोग एडमिशन क्यों नहीं ले पाए? उस सिर्फ एक ही रीज़न है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए उनको अपना एडमिशन नहीं ले पाए वो। ये जो है इसके पीछे एक पूरी राजनीतिक पृष्ठभूमि है कि गरीब तबके से जो है लोग मीडिया इंडस्ट्री में नहीं जा पाते हैं, तो उनका पक्ष भी नहीं रख पाते वो वहाँ जाके। जो आम जन की जो समस्या है, निम्न आय वर्ग की जो समस्या है, उनकी समस्या भी कोई रखने वाला नहीं है। आज की हम मीडिया इंडस्ट्री का देख रहे हैं कितना बुरा हाल हो चुका है। हिंदी पत्रकारिता का स्तर तो बद से बदतर होता जा रहा है इस देश का। तो यही वजह है कि जो है वहाँ पे जो है निम्न तबके का पक्ष रखने वाले लोग हैं ही नहीं। जर्नलिस्ट इतना इम्पोर्टेंट कोर्स है, आई मीन आपको यू नो एलिट स्टूडेंट्स सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं बन सकते। देर आर स्टूडेंट्स जिसका यू नो मेंटालिटी अच्छा है, जिसका यू नो पैशन है, तो उन लोगों को भी इक्वल चांस मिलना चाहिए। सो दिस इज़ लाइक कम्प्लीटली लॉजिकल थिंग कि अफोर्डेबल होना चाहिए, सब लोग यू नो दे शुड गेट द अपॉर्चुनिटी। और इसलिए ये फीस अफोर्डेबल होने की वजह से ही फ्यूचर में यू नो इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी आएगा, अदरवाइज डाइवर्सिटी कहाँ से आएगा? ये जो फीस का मॉडल लाया गया है ये कोई एक दो लोगों के काम नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है मीडिया से एक पूरे के पूरे तबके को दूर रखने की, जिसमें दलित, महिलाएं, आदिवासी और माइनॉरिटी कम्युनिटी और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के गरीब और वंचित लोगों को दूर रखने की पूरी साजिश है कि मीडिया में वो लोग जब आएंगे ही नहीं तो उनकी कहानियां नहीं आएंगी मीडिया में। और आज के मीडिया में ये बिल्कुल सच्चाई है कि शिक्षा को, खैर शिक्षा का ही जो बाजारीकरण हो रहा है उसमें शिक्षा को एक जूते चप्पल के मॉडल के तौर पर, जिसके पास पैसा होगा वो पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो नंगे पैर चलेगा। ऐसा लगता है IMC के केस में कि लोग IMC बनाकर भूल गए हैं कि IMC भी कोई इंस्टीट्यूट है, मतलब इस पे ध्यान देना है, या यहाँ के लोगों के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। अब तो ऐसा ही महसूस होता है। अभी यहाँ के स्टूडेंट्स में खास करके ये एक धारणा है या एक ये डर भी है कि अगर हम मुखर होकर के आवाज़ उठाएंगे तो हमारे प्लेसमेंट को लेकर के दिक्कत होगी, या हमको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी दबाव बढ़ेगा, और जब प्लेसमेंट का समय आएगा तो उस समय हमें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा हुआ भी है, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन एक लाइन हम बार बार दोहराते हैं कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। इस बात को हमें समझना होगा कि अगर हम बतौर पत्रकार यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क लेकर के निकलते हैं, बहुत सारे लोग कवर करते हैं कि JNU में फीस वृद्धि के मामले पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हैदराबाद विश्वविद्यालय में, उत्तराखंड विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों में जो फीस वृद्धि का मामला है, तो लगातार स्टूडेंट्स की डिमांड को, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को हम लोग कवर करते हैं और उनके पक्ष में खड़े होकर के हम लोग इसे दिखाते हैं। लेकिन खुद हमारे संस्थान में अगर इस तरह का कोई हमारे साथ दुराव हो रहा है, हमारे साथ अगर इस तरह का कोई शोषण हो रहा है जिसमें हमसे इतनी ज़्यादा फीस ली जा रही है, तो क्या ये सवाल उठाना हमारे लिए वाजिब नहीं है?